स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ का 10वां पार्ट है और हम 9वें पार्ट का सबसे पहले आंसर ले लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सरस्वती और दूसरे का उत्तर है अथर्ववेद, तीसरे प्रश्न का उत्तर है प्रजापति और चौथे प्रश्न का उत्तर है वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था और रथ यात्रा करते थे इस पे। और पांचवा प्रश्न का उत्तर है 16, छठा का उत्तर है प्रेम विवाह, सातवां का उत्तर है तीन प्रकार के ऋण में देव पितृ ऋण और ऋषि ऋण होता है, और आठवें का उत्तर है समाज व्यवस्था से संबंधित, और 9वें का उत्तर है विश्वामित्र, 10वां का उत्तर है ईरान से। और चलिए फिर नया प्रश्न लेते हैं, 10 प्रश्न। तो इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए हैं, और सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और प्रत्येक प्रश्नों का आप उत्तर करें 5 सेकेंड में। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? और सदानीरा जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है? सदानीरा नदी का आधुनिक नाम बताएं। तीसरा प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख रूप से कौन सा था? और चौथा प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? पांचवा प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? और आप जो है इस वीडियो को बार बार पूरा सुने, 10वां प्रश्न देखें। इस वीडियो को आप सुनने के बाद जो आंसर आप करते हैं, अगर आपका 3 सही होता है और 7 सही नहीं होता, उसको आप सर्च करें, आधा घंटा आप इसमें लगाएं और उसको सर्च करें और पता करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर को जानें और फिर आप आंसर सुन करके जब आप आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना सही किया है। अगर आप 3 करते हैं पहली बार में, दूसरी बार में 5 करते हैं या 6 करते हैं, पहली बार में 5 करते हैं, दूसरी बार में 8 करते हैं, तो इस तरह से आप अपने सुधार को देख सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये आप बार बार रिपीट करके अंदाजा कर सकते हैं। एक दिन में कम से कम 2 वीडियो आप देखें, 3 वीडियो पूर्व का देखें। अब पूर्व के वीडियो को भी आप देखें कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, और आज के वीडियो को भी देखें कितना आप सही कर पा रहे हैं, तो दोनों में आपका कंपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करें। चलिए छठा सवाल, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? 5 सेकंड में उत्तर भी करना है। और सातवां सवाल, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? और आठवां प्रश्न, किस प्रकार का मृद्भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है किस प्रकार का मृद्भांड? 9वां प्रश्न, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? 10वां प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? और इन सबको आप उत्तर करें और
जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, बार बार सुनें और अपना मूल्यांकन करें कि आप कितना सही कर रहे हैं। और आप वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्नों को प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करें अभी, वो एग्ज़ाम से एक महीना करेंगे पहले। थैंक यू।